गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू आवर राइटिंग स्किल मैसेज राइटिंग राइट सो स्टूडेंट्स व्हेन यू वांट टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन एंड इफ यू वांट टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू योर फ्रेंड बट आपकी उसके साथ कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो रही, फोन पे बात भी नहीं हो रही, तब आप क्या करते हो? वो इम्पोर्टेंट भी है इन्फॉर्मेशन, तब हम क्या करते हैं? उसको मैसेज लगा देते हैं, ठीक है? हम उसको मैसेज करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि हमने एक इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है। सो टुडे वी विल डू मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग किसके लिए हम यूज़ करते हैं? व्हेन वी वांट टू कन्वे एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू समवन। एंड मैसेज जो है वो हमेशा एक ब्रीफ में होता है, टू द पॉइंट, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वे में हम इसको लिखते हैं, इनफॉर्मल वे में हम इसको कन्वे करते हैं, राइट? तो जो मैसेज है वो एक ब्रीफ में होता है, जो इसमें हम दूसरे पर्सन को कन्वे करते हैं। सो मैसेज राइटिंग, आई विल टेल यू द फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक बॉक्स को ड्रॉ, वी विल ड्रॉ वन बॉक्स, देन वी विल राइट मैसेज। मैसेज मैसेज किसमें लिखोगे आप? इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में हमने क्या लिखा? मैसेज। देन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे आप क्या लिखोगे? डेट। डेट इन दिस फॉर्मेट, 5th October, 2020 या फिर October 5, 2020। लेफ्ट साइड पे आप क्या लिखोगे? डेट। देन लीव अ लाइन, उसके बाद आप एक लाइन को लीव करोगे। लाइन लीव करके उसके बाद उस पर्सन का नेम आएगा जिसको आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो। अब सपोज आपने अपने फ्रेंड के घर फोन किया, राइट? आपने फोन किया एंड योर फ्रेंड इज नॉट एट होम, यू वांट योर नोटबुक। अब आपको आपकी नोटबुक चाहिए, इट इज एन अर्जेंट, वो अर्जेंट है। तो फोन पिक किया आपके फ्रेंड की मम्मा ने, राइट? आपके फ्रेंड की मम्मा ने फोन पिक किया, तो आप उनको क्या कह रहे हो कि माय फ्रेंड इज एट होम। सपोज हर नेम इज रीना, रीना, तो उसके मम्मा क्या बोल रहे हैं कि रीना इज नॉट एट होम। तो आप उनको क्या कह रहे हो कि आंटी आई वांट माय नोटबुक, विल यू कन्वे योर मैसेज टू हर। क्या आप उनको मैसेज कन्वे कर दोगे मेरा, है ना? तो आप अपना मैसेज उनके पास ड्रॉप कर देते हो। अब आपका मैसेज उनके मम्मा के लिए या फिर रीना के लिए? फोन उन्होंने पिक किया, अब आपका मैसेज किसके लिए है? रीना के लिए या फिर उनकी मदर के लिए? आपका मैसेज रीना के लिए है ना। जिस पर्सन को हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, जिसको एड्रेस कर रहे हैं, वहां पे क्या आएगा? उस पर्सन का नेम जिसके लिए मैसेज है। सो लीव लाइन, फिर उस पर्सन का नेम, अगेन लीव लाइन, फिर लीव लाइन, देन बॉडी। यहां पे हम क्या लिखेंगे? हु कॉल्ड, व्हाई ही कॉल्ड। बॉडी पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? हु कॉल्ड। अब आपने जब उनको कॉल की, आप अब रीना के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अब मम्मा को क्या पता कौन से फ्रेंड का फोन आया है ना, और मम्मा को क्या पता कि आपको क्या चाहिए। तो आप उनको फोन पे बता रहे हो, आई एम, अपना नेम बता दिया, आई एम संजना एंड आई वॉन्ट माई न्यू नोटबुक। सो यहाँ पे पहले आप क्या बताओगे? हु कॉल्ड, किसने कॉल की है, वाई कॉल्ड, किस पर्पज के लिए कॉल की है। वो क्या हो गया हमारा? बॉडी पैराग्राफ। और बॉडी जो होती है ओनली इन 40 to 50 वर्ड्स, टू द पॉइंट। इसमें आपने अपनी कोई भी, अपनी ओर से ऐसे कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट टू द पॉइंट आपने इसमें बात करनी है, करेक्ट? यहाँ पे बॉडी, फिर अगेन लीव लाइन, फिर लाइन को लीव करना है फिर से, एंड हेयर हु इज गिविंग अ मैसेज, हु इज गिविंग अ मैसेज, उसका नेम आएगा। एंड एट द सॉरी राइट साइड, राइट साइड पे हम टाइम लिखते होते हैं, आपने मैसेज कब दिए, आपने मैसेज कब दिया, वो क्या आएगा वहां पे? राइट साइड पे टाइम। सो आई रिपीट अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ अ बॉक्स, मैसेज एक एनक्लोज करना है बॉक्स में।
सबसे पहले आपने क्या लिखना है, मैसेज इन कैपिटल लेटर्स। फिर लेफ्ट साइड पे डेट लिखोगे आप कि किस दिन आपने मैसेज दिया, उस दिन वाली आप डेट लिखोगे। राइट साइड पे आप टाइम लिखोगे कि किस टाइम पे आप मैसेज कन्वे कर रहे हो। उसके बाद आप एक लाइन लीव करोगे और देन जिस पर्सन के लिए मैसेज है फिर आप उसका नेम लिखोगे, जिस पर्सन के लिए मैसेज है। फिर अगेन लाइन लीव, फिर उसके बाद आप बॉडी पैराग्राफ लिखोगे जो कि सीधा 40 to 50 वर्ड्स में होगा। इन ब्रीफ टू द पॉइंट आपने बात करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं। हाउ आर यू, आप क्या कर रहे हो, नो ऐसा कुछ भी नहीं। हेलो, हाउ आर यू, घर पे कैसे हैं, नो सिर्फ अपना जो आपका पॉइंट है वो रखना है। हु कॉल्ड, वाई कॉल्ड, देन अगेन लीव लाइन, फिर उसके बाद मैसेज कौन लिख रहा है, हु राइट्स मैसेज, फिर उसका नेम है। करेक्ट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग। इन दिस वे यू विल राइट अ मैसेज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।